नदियों पे होता है कूड़ा, यहाँ ताला लगा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये जो आप यहाँ पे कचरा देख रहे हो, ये कूड़ा करकट देख रहे हो, यहाँ जो हमारे नदियों पे होता है कूड़ा, यहाँ जो हमारे रिवर्स के किनारों पे होता है जो कूड़ा, जो गंदगी होती है, जो डायपर्स होते हैं, जो गंदगी पड़ी होती है, व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ये हमारी सरकार की गलती है। पर ओबियस रीजन्स आप कहोगे भाई ये सरकार की गलती कैसी है, आप लोग यहाँ पे सड़क पे फेंक रहे हो या आप लोग नदी के किनारे ये सब फेंक रहे हो, तो इसमें सरकार की कैसी गलती है। लेट मी शो यू सरकार की कैसी गलती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, पहले इसको छोड़ो, मैं जो दिखाता हूँ, यूज डस्टबिन, ये क्या है, डस्टबिन। और ये इस पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, लगा हुआ नहीं है एक्चुअली। इस पर इसकी कॉस्ट और ये बना कब है, इसकी कॉस्ट अलॉटेड हुए 2.78 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख आरएस है। और बना कब है ये, 25/7/2023, मतलब आज मई चल रहा है, तो पिछले साल के जुलाई में ये कंस्ट्रक्ट हुआ है और अब तक तो इसकी बिल भी निकल चुकी होगी। देन लेट मी शो यू अ थिंग आपको, देखिए आप इस पे इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, इसको पिछले एक साल से खोला ही नहीं गया है। और इस पे 3 कॉलम्स हैं, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड। डस्टबिन बना है, 3 कॉलम्स हैं, जिसमें 3 कॉलम्स में आपने वेस्ट डालना है। और ये किस लिए है, ये पब्लिक यूज़ के लिए होता है। अगर आप बोर्ड पे भी दिख लगा, ब्लॉक लंगेट पीवीटी हल्का खाना खानू बाबा गुंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेग्रीगेशन शेड एट बाबा गुंड। और ये एक साल से बंद पड़ा है। आज 23rd of May है 2024 और ये 25th of July 2023 में बना था, मतलब एक साल से ये बंद है। और लोग इसमें कूड़ा फेंकने के बजाय वहाँ जाके सड़क पे फेंक रहे हैं, जो यहाँ से ज़्यादा 10 कदम दूर होगा। मैं आपको दिखाऊंगा, चल के दिखाऊंगा कि यहाँ से वो 10 कदम ही दूर होगा। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी ज़िम्मेदार है। ये पिछले एक साल से बंद पड़ा है, तो बनाया किस लिए, अगर इसको बंद ही रखना था तो बनाया किस लिए है, ये क्यों 3 लाख ज़ाया किए इन लोगों ने। देखिए ये है वो डस्टबिन और पास में यहाँ पे ये सारा कचरा पड़ा है, जो कि ओबियसली इसमें होना चाहिए था। और पास में ये गड्ढा है किसी का, ये भी नहीं पता, और इसी में ये सारा कचरा पड़ा था, जो कि यहाँ से 10 कदम दूर उस डस्टबिन में होना चाहिए था। और ऐसी ही जो कि डस्टबिन में होना चाहिए था, बल्कि एक साल से बंद पड़ा है, इसलिए इसमें नहीं है। तो ये किसकी गलती है, ये सरकार, पहले तो हमारी गलती है क्योंकि हमने इनसे पूछा ही नहीं कि ये क्यों बनाया है। अगर बनाया है तो इसको खोलो, ताकि ये जो यहाँ पे गंदगी है वो जाके लोग उसमें डालें, और जो दरिया के किनारे पे फेंक रहे हैं वो भी उसी में डालें। तो हमारी यही गुजारिश है कि तहसीलदार ऑफ लंगेट और जो भी पटवारी जो भी आएगा यहाँ पे, कि या तो इसको जो भी इसका मुलाजिम होगा, जो भी इसका ऑफिसर होगा, यहाँ आए, या तो इसको खोले या तो इसको डिमोलिश करे। क्योंकि जब ये बनाया गया है तो ये यूज़ के लिए बनाया, जब इसका कोई यूज़ ही नहीं है, बंद पड़ा है एक साल से, तो इसकी क्या ज़रूरत है हमें, जबकि लोग सड़कों पे ये कूड़ा फेंक रहे हैं। तो या तो इसको डिमोलिश करा जाए, या तो इसको खोल दिया जाए और लोगों को बोला जाए कि आपने आपके घर से जो भी कूड़ा निकले वो आपने इसमें डालना है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी और इंशाल्लाह वो इस पे कोई काम करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।